सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज आपको जनाब बताएंगे कि मैं हूँ इस वक्त लंदन में मौजूद। पीछे आप देख रहे हैं मस्जिद फजल, और यहाँ आने का क्या मकसद है जनाब? इस मस्जिद को 100 साल पूरे हो गए और यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम भी है, तो मैंने सोचा कि उन्होंने 9 बजे TV International भी अपने देखने वालों को इस मस्जिद के नज़ारे दिखाए। यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, जगह कम है, लेकिन ये है कि मुख्तलिफ ममालिक के लोग भी मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और इंडियन भी नज़र आ रहे हैं, श्रीलंकन भी, गोरे भी नज़र आ रहे हैं। और इस मस्जिद को देखने के लिए शायद दूर दूर से लोग आए हो। ये बाहर का नज़ारा आप देखें, चिरागा हर तरफ बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पे जनाब इस मस्जिद को सजाया गया। सौ साल, जी हाँ, 1924, और अब चल रहा है जनाब 2024। आज 19 अक्टूबर, और ये 2 दिन का प्रोग्राम है, 19 और 20 का। जब इसके बारे में मालूमात ली तो पता चला, क्योंकि जगह काम में है तो आज मेहमानों को दावत दी गई है, जो भी इस मस्जिद को देखना चाहें वो तशरीफ़ ला रहे हैं, और स्पेशल कार्ड भी मेरा ख्याल है कुछ इशू किए गए। और ये 20 तारीख को जो भी पाकिस्तानी या लोकल एरिए के लोग हैं उन्हें दावत दी गई है। यहाँ पे बड़ी एक अहम बात आपको बताना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं कि लोग इस मस्जिद को देखने के लिए जो भी तशरीफ़ लाए हैं उनमें से कई ऐसे भी हैं जो मुसलमान नहीं हैं, मगर उसके बावजूद उन्हें दावत दी गई और वो मस्जिद देखने के लिए तशरीफ़ लाए। ये बात मैंने इसलिए आपको बताई है कि इंग्लैंड ज़ाहिर है इस्लामी मुल्क तो नहीं है, मगर यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने कलमा भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है और किसी को कोई इतराज़ नहीं है। मकसद ये था बताने का कि ये अहमदिया मस्जिद है, और पाकिस्तान में आपको बताया आए दिन जो हालात वहाँ पे बने हुए हैं बड़े अफसोसनाक है। ये लोग जो गोरे भी हैं और मुसलमान भी नहीं हैं, मुख्तलिफ मज़हब से तल्लक रखते हैं, वो ये कलमा तैयबा देखने आ रहे हैं, ये मस्जिद देखने आ रहे हैं। और जो पाकिस्तान के हालात हैं कि जो मुसलमान हैं वो आए दिन जिस तरह अहमदिया मसाजिद पे हमले करते हैं, वहाँ पे कलमा तैयबा की बेहुरमती करते हैं, वो बहुत ही अफसोसनाक है। इंग्लैंड जिस तरह मैंने बताया यहाँ पे बड़ी तादाद क्रिश्चियन है उनकी है, मगर यहाँ पे आपकी मसाजिद, आपकी इबादत का किसी भी मज़हब से आप तल्लक रखते हो महफूज है, और आप आज़ादी के साथ यहाँ अपनी इबादत कर सकते हैं, किसी को कोई इतराज़ नहीं, कवानीन का सिर्फ एहतराम, और कोई ऐसे कवानीन या आर्डिनेंस नहीं बने हुए जिसकी वजह से लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की जाएं। यहाँ दीन के लिए आसानी पैदा की जाती है, और जो भी अमन के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहे उनके लिए
ये एक जबरदस्त मुल्क है, इस्लामी जो है तालीम है वो भी यही है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत से और खलूस के साथ, भाईचारे के साथ ज़िंदगी गुजारें। ये जी अब नमाज का वक़्त है, यहाँ पे नमाज हो रही है क्योंकि मस्जिद बहुत छोटी है, लोग बाहर नमाज अदा कर रहे हैं। जो लोग ड्यूटी पे हैं वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है दूसरे ममालिक के मेहमान, दूसरे मज़हब के मेहमान आए हुए हैं, उनका ख्याल रखना भी यहाँ पे इन लोगों का फ़र्ज़ है। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है, समझ जिनको है कि क्यों हम लाखों रुपए दे के इन ममालिक में आते हैं, मुसलमान ममालिक छोड़ के यूरोप को अमेरिका को तरजीह देते हैं। वजह यही है कि यहाँ पे आज़ादी है और आप आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ग़ुलामी की जंजीरें यहाँ पे नहीं हैं। लेकिन अफसोस के जो बहुत तकलीफ दे बात है कि हमारे सियासतदान ने, हमारे दूसरे जो भी लोग हैं उनके बच्चे पढ़ के तो यहाँ से जाते हैं, मगर जाके फिर पाकिस्तान में शायद भूल जाते हैं और फिर उसी कल्चर में, उसी माशरे में जाके वो उन्हीं में मिल जाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ भी कुछ सीख के जाएँ, उसका फ़ायदा दूसरों को भी पहुँचे, मगर ऐसे हालात नहीं हैं। आप देख लें यहाँ से पढ़ लिख के जाने वाले वहाँ पे फिर किस तरह झूठ पर सियासत करते हैं, उलमा हैं उन्होंने मजहबी नफ़रत इतनी फैला दी हुई है कि अगर आप अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहें तो आपका जीना मुश्किल कर देंगे। झूठी FIR कवानीन ऐसे बनाए हुए, कोई किसी को पकड़ के ले जाता है 298C, कोई किसी को पकड़ के ले जाता है 295C। ये मियां वकास साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई है, ये बात आपको मैं बताऊं कि बहुत कम लोग हैं जो इस माशरे में आके कुछ सीखते हैं। कई तो ऐसे होते हैं कि उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की होती और अपने आप को तब्दील करने की भी कोशिश नहीं करते। आज भी आप देख लें हमारे लोग जो हैं लाखों रुपए दे के इन ममालिक में आना चाहते हैं, यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे हैं दुनिया की बेहतरीन जो है, हमारे पास वो भी नहीं है, मगर इन यूनिवर्सिटियों से जब पढ़ के जाते हैं तो हालत नहीं तब्दील होती, पाकिस्तान में जाते ही फिर उसी हालत में वापस आ जाते। यहाँ पे जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से खलूस से मुलाकात लोग कर रहे हैं और यही इस्लामी तालीम है कि आप एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिलें। ये जितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं, आप नज़र जितनी देर तक वीडियो चल रही देखते जाएं, आपको पता चल जाएगा कि जो भी एक दूसरे से मिलता है चेहरे पे मुस्कराहट होती है, लोग खुश हैं। यानी कि
सिर्फ अहमदी खुश हैं, यहाँ पे जो दूसरे मुसलमान आए हुए हैं या क्रिश्चियन आए हुए हैं वो भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। इन मुमालिक ने एक सिस्टम दिया हुआ है और आपको वो मुसलमान मुमालिक में, पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरे भी बहुत पीछे हैं। यहाँ पे इंसानियत की कदर है जी, इंसानों को जो भी आप यहाँ पे देखते हैं सूलते हैं, दुनिया में बहुत कम ममालिक में ये चीज़ें होती हैं। यूरोप, यूरोप में जिस तरह एक सिस्टम दिया गया है, मेडिकल सिस्टम है, लोगों के खाने पीने का ख्याल रखा जाता है, ज़रूरियात का ख्याल रखा जाता है, और यही वजह है कि पाकिस्तानी हमारे जो अक्सर हैं वो चाहते हैं किसी तरह हम इन ममालिक में पहुँच जाएँ, अपने मुल्क को हम ठीक नहीं कर पाए। मैं कोई गलत नहीं इसमें कह रहा, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आप देख लें कितना पैसा लगा के हम यहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगी गुजारने आते हैं, किसी को ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाए, किसी को जर्मन मिल जाए, किसी को अमेरिकन मिल जाए, हम खुश होते हैं। जब हम दंदनाते जहाँ मर्जी किसी भी मुल्क में जा सकते हैं, वीज़े की ज़रूरत नहीं, कोई पूछता नहीं है, लाइनें बदल जाती हैं, तो ये चीज़ें क्या वजह कि आज तक पाकिस्तान में हम आवाम को नहीं दे सके। मजहबी नफरत तो हमने दे दी बहुत ज़्यादा, लेकिन मज़हब का हम बता ही नहीं सके किसी को कि मज़हब क्या चीज़ है। असल में यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी, वीडियो बनाने में थोड़ी सी जगह बहुत कम थी और रश बहुत ज़्यादा था, लोग बहुत ज़्यादा थे, तो फिर वो कैमरा जो था मुश्किल से हम ये जो नज़ारे आपको दिखा रहे हैं काफ़ी लोग ऐसे भी मिले जिनसे मुलाकात हुई, वो हमारे चैनल को पसंद करते हैं, हमारे चैनल को देखते हैं, बड़ी खुशी होती है जब ऐसे लोग भी मिल जाएं। इस मस्जिद की अगर आपने मुकम्मल मालूमात लेनी हो तो गूगल में मौजूद है, वहाँ से आप ले सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये मुश्किल है कि मुकम्मल मालूमात आपको इस मकसद से वक्त में दे सकें। सौ साल पहले तो शायद ये एक मस्जिद थी या और भी कोई इसके बाद मस्जिद बनी हो, मगर अब तो जर्मनी में, इंग्लैंड में या किसी भी जगह जाते हैं तो मस्जिद वहाँ पे नज़र आती हैं।
आप भी जब लंदन आए तो ये जनाब मस्जिद देखने ज़रूर जाएं, ग्रिसन हॉल रोड। नाइन गज़ टीवी इंटरनेशनल को देखने वाले कोई 91,000 लोग ऐसे कहते हैं जो सब्सक्राइब माशाल्लाह कर चुके हैं चैनल को, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी देखने के लिए। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें हमारे साथ।